ये अनवर अली और हसन अली, ये दोनों अली बोल रहे हैं या अली मदद। ऊपर से आवाज आई, मदद तो करूंगा लेकिन उनकी, रदरफोर्ड की। वो भाई इतना मारा उसने, इतना मारा इनको, लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे, इसने पहली दो बॉलों में दो छक्के खा लिए। यार एक चीज का बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और एक चीज पर बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है। अब गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इस चीज पर आ रहा है क्योंकि कराची मेरी फेवरेट टीम है और इस रदरफोर्ड की बच्चे ने कराची की भाई मार मार के हालत बुरी कर दी। कराची के किसी भी बॉलर को इस बंदे ने नहीं छोड़ा, मुजरबानी, हसन अली एंड लास्ट में अनवर अली तक को दो छक्के मार दिए, यानी कि भाई आउट क्लास इस बंदे ने कर दिया। और मेरी नजर में PSL 9 में ऐसी इनिंग किसी भी बंदे ने नहीं खेली, सही बता रहा हूँ। क्योंकि भाई आपको अगर 16 बॉल के अंदर 31 रन चाहिए होता है, यानी कि 16 बॉल के अंदर आपको अगर 35-36 रन चाहिए होता है और बंदा कोई ऐसी इनिंग खेल जाए तो आउट क्लास भाई, तारीफ उस बंदे की हमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मुझे गुस्सा इस चीज़ पर आ रहा है, कराची की बॉलिंग को क्या हो गया है भाई? आप लोग पूरी PSL की बॉलिंग चेक कर लो और कराची की टीम की बॉलिंग चेक कर लो, ऐसी घटिया बॉलिंग है क्या ही बताऊँ। अनवर अली मजे का नहीं, हसन अली मजे का है, लेकिन वो दैट ओवर्स अच्छे नहीं करवा सकता। मुजर अब्बानी मार खा गया, जाहिद महमूद ने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग करा दी, लेकिन यहाँ पर भाई हसन अली से और यहाँ पर मुजर अब्बानी से कोई हम लोग उम्मीद एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये डेथ ओवर्स के बॉलर नहीं है। तो आइए आज चेक करते हैं हमारे रदरफोर्ड के बारे में इंडियन मीडिया क्या कहता है, इस मैच के बारे में इंडियन मीडिया क्या कहता है, कराची टीम के बारे में इंडियन मीडिया क्या कहता है। तो भाई आज आपको ए से लेकर जी तक सब कुछ दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को साथ साथ दबा दें। यार वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, बस मोटिवेट कर लिया करो एक लाइक देकर। तो चलो फिर आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। है लेकिन ऊपर पिछले गेस्ट टीम को, अब भाई चार बॉलों में 3 रन चाहिए, रदरफोर्ड ने मार मार के इनका कचूमर बना दिया। ओए गुड डॉट बॉल। तो ये अनवर अली और हसन अली, ये दोनों अली बोल रहे हैं या अली मदद। ऊपर से आवाज आई, मदद तो करूंगा लेकिन उनकी, रदरफोर्ड की। वो भाई इतना मारा उसने, इतना मारा इनको, लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे, इसने पहली दो बॉलों में दो छक्के खा लिए। उससे पहले वाले ओवर में छक्के खा रहा है, छक्के खाए जा रहा है भाई। ये किस तरीके की लांती बोलिंग हुई है आज एंड में। मैच तो ये जीत चुके थे ये कराची वाले कराची से अंदरूने मुल्क बेइज्जती कराने के लिए। उसके बाद ये रदरफोर्ड ने मार मार के इनका एक्सपेरिमेंट बना के रख दिया, भरता कचुंबर मलीदा जो बोलो बना दिया। अब 3-3 चाहिए मेरे ख्याल। ओए ओए दो डॉट बॉले भाई साहब, कम ऑन अनवर, क्या यहाँ पे भाई साहब, दो बॉलों में 3 रन चाहिए। अगर ये डॉट बॉल पड़ जाती है ना लास्ट बॉल में 3 रन, फिर कुछ भी हो सकता है, आपका मोहे में भी हो सकता है अपना। यार दो बॉलों पे दो छक्के आए थे वहां पे, लग रहा था कि जंग पूरा कह दे देवगन। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बॉल में मैच खत्म है, आप देखिएगा इस बॉल पे मैच। दो ही अच्छी और क्या है, देखते हैं अभी, अच्छी बॉल पड़ गई, अरे नाबीना गैंगस्टर, देखते हैं अभी, रुक जाइए। दो अच्छी बॉल पड़ गई लेकिन खत्म है इस बॉल भाई, लेकिन दो डॉट बॉल बड़ी पते की मारी है दोनों यॉर्कर, तो ठीक है। 6 ओवर में 66 चाहिए थे, 5 विकेट पागल है ये लोग, पता नहीं कहां से पड़वा दिए इन्होंने। 89 फॉर 5 थे और अकील हुसैन रदरफोर्ड जो साल में एक बार चलते हैं उनसे रन पड़वाए बॉस आपने, और रदरफोर्ड का पांडे पोलार्ड का मन कर रहा है अनवर अली की गुद्दी में दो थप्पड़ मारे हो, और बीच में पोलार्ड ने भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिलीवरी है यहाँ पे। अगर तो ये डॉट आ गया, अगर डॉट आ गई फिर तो फंस गया मैच, वरना अगर इस बॉल में खत्म भी हो सकता है, वो तो है ही। अब एक बाउंड्री दूर है वो जीत से, क्वेटा 101% खत्म, शॉट खत्म। ओ यार कैच, एक रन है। अबे ले ले ले, अबे रन आउट कर दे, आउट हो गया, पहुंच गया। अबे ये पागल है क्या यार, ये पागल तो नहीं है, दूसरे एंड पे थ्रो करना था, उधर मार दिया उसको, मार दिया वो तो पहुंच गया, और मार नहीं था तो थोड़ा जल्दी मार देता, उधर पहुंच गया क्या, वो पहुंच गया, वो डाइव लगा के पहुंच गया, वो डाइव लगा के पहुंच गया, दो रन ले लिए, दो रन कैसे भाग गए, माय गॉड पागल तो विकेट के पीछे, दो रन कहां से बनते थे, विकेट कीपर के पीछे से वहां भी थ्रो किया, दूसरे एंड पे उसने कैच ड्रॉप किया, वहां अगर थ्रो मार लेता यार ये चले गए, व्हाट द हेल वाज दैट भाई। अगर ये आउट नहीं है ना, डूब के मरना चाहिए इनको, देखिए बॉल तो फेंक दे, वो देख रहा है, पहुंच गया। ओ गॉड, वाह रे वाह, वो देख रहा है इसको, उसको थ्रो नहीं किया गया, वो यार वो तो पहुंच गया है, बैट उसका अंदर है, लेकिन वो भाई वो फील्डर के हाथ में बॉल मारी और वो दो के लिए भाग गया, और इतना बड़ा बेवकूफ है कि मतलब वो क्लियर रन आउट था, वो देख रहा है उसको, ये किया क्या वैसे उन्होंने, मेरे तो ये समझ नहीं आ रही भाई, उसने बॉल पिक करी वहां पे थर्ड मैन वाले ने, उसने नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो की, अबे बार बार क्यों दिखा रहे हो, पहुंच गया भाई वो, भाग रहा था अकील हुसैन, जब उसने दूसरा रन ले लिया तो बॉलर ने हाथ में बॉल पकड़ के खुद उससे रेस कर रहा है,
अबे पहले फेंकनी चाहिए थी ना बाबरे, फेंक देना चाहिए था, पास में था तो चलिए पहले भेजनी चाहिए थी ना भाई, पहले फेंकनी चाहिए थी भाई। चलो स्कोर्स लेवल लेवल हो गए, जीत गए। एक बॉल पे एक रन चाहिए, कहां से डॉट कहां से आएगा, बहुत मुश्किल। तो कुछ भी हो सकता है ना, सुपर ओवर भी तो हो सकता है, सुपर ओवर हो सकता है। एक बॉल पे एक रन चाहिए, 15 रन चाहिए थे ओवर में, बीच में दो डॉट बॉल आई, उसके बाद एक रन था, इन मनहूस लांतियों ने दो रन दे दिया। बताइए बड़ा, मतलब मैं इतना इससे बड़ी बेवकूफी मैंने जिंदगी में नहीं देखी, इससे बड़ी बेशर्मी की कसम से जिंदगी में नहीं देखी भाई। अगर वो इसके बाद भी उधर मार देता ना, नॉन स्ट्राइकर वैसे ही आउट हो जाता, आउट हो जाता। ठीक है, लास्ट बॉल पे रन भी मिलता ना, लेकिन दो बॉल पे होता है, एक बॉल पे दो रन चाहिए होता है, एक रन बच जाता आपका। इतनी महा बेवकूफी जिंदगी, और वैसे भी दूसरा रन था ही नहीं यार, बिल्कुल वो रन आउट होना ही चाहिए था। अनवर अली पता नहीं कौन से बाग में घूम रहे हैं, इनसे इनको रोहित शर्मा से मिलना चाहिए कि गार्डन में कोई भी घूमेगा तो वो उनको बताएगा क्या करता है वो। किस बात का डिसीजन पेंडिंग है ये, नॉट आउट है ये, नॉट आउट जब आप देख, किस बात का डिसीजन, अबे क्या क्या देख क्या रहा है, शॉर्ट रन देख रहा है, देख क्या रहा है कि क्या रहा क्या है इन्होंने, ये पिच के बीच में क्यों भाग रहा है, ये बॉल तो अंदर है, ये हुआ क्या है, देख क्या रहे हैं वैसे, इसमें क्या देखना है इनको, मुझे तो समझ नहीं आ रही। दो रन है, वो क्या क्या रहा है कि वो बीच में भागा है, क्या कह रहा है, क्या शान मसूद क्या बोला है कि पिच के बीच में भाग रहा है, या भाई ये कोई हमें समझा दे कि क्या बोल रहा है, बॉलर के बीच में भाग रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हुआ क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रही, नॉट आउट है यार, क्या दोबारा से डिसीजन, किस बात का है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अबे ये सही में कॉमेडी लीग है क्या तुम्हारी, जब दिख रहा है कि वो भाग गया दो रन, किस बात की अपील कर रहे हो, और पता नहीं शान मसूद क्या बोल रहा है, अबे बावले चलिए, लास्ट ओवर चल रहा है, लास्ट बॉल है, बीच में क्या भाग रहे की क्या बात है, उस मैच खत्म हो गया, जीता हुआ मैच, मजा आ जाए, सुपर ओवर हो जाए, सुपर ओवर एनीवन, सुपर ओवर, सुपर ओवर, सुपर ओवर हुआ तो मजा आ जाएगा, लेकिन मैं करवा दे सुपर ओवर यार, कसम से जीतना डिजर्व क्वेटा ही करता है, थैया हो कराची से जीतना डिजर्व आप तो क्वेटा करती है, मैं मेरे हिसाब से डिजर्व क्वेटा ही करता है, लांची ओवर में 7 रन बनाना 89.5 के बाद यहां तक पहुंच जाना डिजर्व क्वेटा ही करता है। गंगा जल नहीं चल रही, सुने आप मेरी बात, यहां पे देखिए लास्ट वो भी डिजर्व करते हैं, वो हारना डिजर्व करते हैं, वो लांती है, उसने दो डॉट बॉल डाली, आप कह रहे गंगा जल आपने बेवकूफी खुद कर गया कि वो ढीला पड़ गया, उसको रन आउट कर देना चाहिए था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि भाग जाएगा, दूसरा बंदा जो है ना, दूसरा कैच ही थी, दूसरा बंदा जो था उसने कितना धीमे फेंका, वही तो कह रहा, वो सोच रहा है जो भी कहा किया उसकी गलती है भाई, वो अनवर अली वैसे जो दूसरा था वो रुक गया, इनको दूसरा नहीं भागा, अनवर अली भी कर सकता था, वो भी थ्रो पहले फेंक सकता था, खैर अब जो हो गया लाना था पड़वा लिया अपने में, लेकिन गेम डिजर्व कर रही है, जो मजा आ रहा है देखने में कि लास्ट बॉल पे डॉट हो जाए और सुपर ओवर देखने में, ये बात फिर मजा आएगा, सुपर ओवर में भले क्वेटा जीत जाए, क्योंकि इस कोई भी जीत जाए, कराची जीते तो मेरे को तो मजा आए, बेटा डॉट बॉल करा दे कसम है तुझे, लेकिन अब होगी नहीं छक्का, ये डॉट बॉल नहीं कराने वाला, बहुत मुश्किल, कैच हो जाएगा मुझे लगा, पांच बॉलों में इन्होंने कुछ, रदरफोर्ड भी देखो उल्टी खोपड़ी है, वो मारने जाएगा, हो सकता है कैच, आज देखो रदरफोर्ड का दिन है आज, कोई नहीं, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ डॉट बॉल भी हो सकती है, रन आउट कर लेना, अब डॉट बॉल भी हो सकती है, कैच भी हो सकता है, कुछ भी, जब गेम इतनी डीप चली जाती है ना तब कुछ भी हो सकता है, लास्ट बॉल पे पहुंच गई, मुझे लगता है एक रन चाहिए, कम ऑन कराची, मैं तो साथ में हूँ भाई, अनवर अली या अली मदद, या अली मदद, अली छक्के से मैच खत्म, कोई मदद नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है ये खेल, गोलमाल नहीं चल रही है, अजय रुके आप, आउट करे अली, आउट करे, ऐसे ही प्रेशर में लग रहा है, हालांकि सारे फील्डर्स लगा लिए, ऐसा तो नहीं था, ऐसे कुछ था, ऐसे नहीं था, लेकिन कुछ ये आपने खुद बनाया, ये तो मेरा स्टेप है, मेरा ये कहां करते हैं आप ये स्टेप, कहीं नहीं करता हूं ये, कितना घटिया 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 स्टेप बना, अरे शुरू करे भाई, शुरू करे, लास्ट बॉल डॉट बॉल करे, तब मजा आएगा, एक बॉल में एक रन चाहिए, डॉट बॉल पे, कम ऑन अनवर, फील्ड देख लो बेटा, अनवर बेटा अनवर, कम ऑन अनवर, कुछ नहीं लगा, खत्म है, कहां से जीत रही है, चार के साथ खत्म हुआ, ये सुपर ओवर डिजर्व करने वाले लोग देखो, इतनी खस्सी टीम, सुपर ओवर वाले लोगों को देखो यार, ये कराची किंग्स की जगह खस्सी किंग्स रख लो भाई अपना नाम, हाथ की बॉल दो छक्के खाने के बावजूद तुमने पकड़ ली थी, और सर विव रिचर्ड्स है भाई उनके कोच, बताओ यार क्वेटा के कमाल है यार, विव रिचर्ड्स जिनका कोच हो वो तो वैसे ही डिजर्व नहीं कर, उनके तो वैसे ही ऊपर की शक्तियां आ गई, रूहानी ताकतें आ गई उनके साथ, लेकिन क्वेटा एक और मैच जीतते हुए और नंबर वन पोजिशन अपनी बरकरार रखते हुए, कराची के पास एक सुनहरा मौका था, कराची अरे कराची क्या कर दिया, कराची रुखसाना फरजाना मरजाना क्या किया, ये आज आपने तो सारी बहनों को लेके आ जाए,
है ना, कि वो बेटर खेल लेंगी खवातीन आपसे। तो कराची वालों के पास पूरा पूरा मौका था जी, और आज भी जरदा चबाते रह गए और देख देखते रह गए कि आगे वाले लेके निकल गए, हुक्का फूकते रह गए। यार घटिया बातें कर रहे हैं, जरदा क्या होता है, जरदा तो फिर भी ठीक है, हुक्का कहाँ से आ गया, तो चबाते रह गए। और रदरफोर्ड ने मार मार के भरता बना दिया, रदरफोर्ड के पैरों में गिर गिर के माफिया मांगे हम आप, और कराची वालों ने